नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल कुमार किसान गंगा की तरफ से। ये केले की प्लांटिंग हुई है और इसमें कुछ गड़बड़ी है। ये देखिए, पौधा लगा है और पौधे के पास ये गड्ढा छोड़ा जा रहा है और इसमें अभी तो पानी क्या है, मग से दे रहे थे। तो एक दिक्कत ये है कि जो पानी दिया जा रहा है तो लेबर इनका खड़े खड़े पानी डाल रहा है एक जगह पे, ये पूरा, जिससे कि गड्ढा हो रहा है। बारिश का मौसम है, आज जुलाई है, 16 जुलाई, बारिश आने को है 2 दिन में। पौधे के पास इस प्रकार का गड्ढा होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि पौधा मरने के चांस बढ़ जाएंगे। और सभी किसान भाइयों को इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि पौधा लगाते समय मिट्टी को बिल्कुल जो है बराबर रखना है। ये लगाने के बाद जो हवा रह जाती है अंदर, तो जब मिट्टी बैठती है पानी देने के बाद तो गड्ढा तो बनता ही है, तो उसके बाद 1 से 2 दिन में ये कार्य जो है ज़रूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। पौधे के आसपास का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल समतल करना चाहिए, ये इस प्रकार से बिल्कुल जो है बराबर करना है। और ये समस्या सारे पौधों के पास है। ये देखिए, इस प्लॉट में गड़बड़ी थी तो मुझे आना पड़ा। ये सभी किसान भाइयों को ये चीज़ ध्यान करनी है कि इस मिट्टी को बराबर करना है, ये जो मिट्टी है इसको समतल करना है, जिससे कि पानी का ठहराव जस्ट पौधे के पास ना हो। अगर पौधे के पास पानी रुकेगा तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि पौधे के मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और किसान कहता है कि किसान की भाषा में एक सड़ुआ कहते हैं, पौधा सूख रहा है, सड़ुआ बीमारी लग गई, तो ये सब चांस बढ़ जाएंगे। ऐसी समस्या ना आए इसके लिए आपको लगाने के बाद थोड़ा सा ध्यान करना है, अपनी लेबर को बोलना है कि पौधे के आसपास कोई भी गड्ढा या खाली स्थान ना रहे। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं सारे पौधों के पास गड़बड़ी है, ये गड्ढा है, ये पानी खड़े होके पड़ रहा है, तो इसको सुधरवाना है। जस्ट ये मिट्टी जो है इसमें भरनी है। और पौधे के पास अभी क्या है, पौधा छोटा है, नाजुक है, तो नमी का स्तर कम नहीं होने देना है, बराबर टाइम टाइम पे पानी भी देना है। इसके बाद ड्रेंचिंग चालू करनी है, उसका शेड्यूल मैं फार्मर को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। सभी पौधों के पास गड़बड़ी है। जिन किसान भाइयों के खेत में ऐसी समस्या है वो इसका सुधार करें, वरना बारिश में बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी आएगी। ये देखें, और एक चीज़ और, जिन पौधों की ये पिंडी, ये क्या है कि जो नर्सरी से मिट्टी आई है, ये पिंडी नर्सरी से आई है और इसके बीच में अभी देखो मिट्टी एकदम सेट नहीं हुई है, ये देखिए बैठ रही है, तो इस मिट्टी को भरना है थोड़ा सा। ये लगाते टाइम सावधानियां बरतनी चाहिए कि यहाँ पे गड्ढा ना हो पाए, ये ऐसे बराबर ही होना चाहिए। सभी पौधों में ये दिक्कत है, ये सुधरवाना है आज ही। जिन प्लाटों में ऐसी दिक्कत है वो सारे खेत जो है सुधरवाने हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट होगी। बारिश आने वाली है 2 दिन बाद, मानसून आ रहा है। ये देखिए सभी में ये लेबर खड़े होकर पानी डाल रहा है, उसी की वजह से है ये सभी गड्ढे सुधार कर फिर पानी इनको जो है फ्लड से हल्का सा देना है। जिन भाइयों के पास ड्रिप है तो वो 2 घंटे पर डे ड्रिप चला सकते हैं, सुबह और शाम 1-1 घंटा ड्रिप चला सकते हैं। धन्यवाद।